हे दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर टेक्निकल। और यहाँ पे लेनोवो ने कर दिया है कमाल, क्योंकि एक नया स्मार्टफोन जो कि काफी समय से रूमर था, लेनोवो Z5, वो कि लॉन्च हो गया है चाइना के अंदर। अब यहाँ पे प्राइस काफी कमाल रखी है यार, जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है, जो कैमरा क्वालिटी मिलने वाली है, जो फोन का डिजाइन है वो काफी इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे शाओमी की बोलती बंद हो चुकी है और नोकिया X6 को भी किल कर दिया है लेनोवो ने। यार डिजाइन काफी कमाल है, परफॉर्मेंस काफी धमाल मचाने वाला है ये फोन जब इंडिया आएगा। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिया में आपको ये फोन कब तक देखने को मिलेगा, फोन की प्राइस क्या है, फोन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या है फोन की स्पेक्स। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, साथ में क्लिक करो बेल आइकन को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना। सबसे पहले हम बात करेंगे फोन की डिजाइन की। तो कुछ इस तरह से आपको फोन दिखेगा, फोन काफी प्यारा दिख रहा है। अगर आप रियर में देखेंगे तो ग्लास फिनिश आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। रियर में भी आपको 2.5D कर्व ग्लास मिल जाएगा। तो कुछ इसी तरह से आपको डिजाइन मिलने वाली है। फ्रंट में आपको मिलेगा 6.2 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, साथ में ऊपर की तरफ आपको नॉच देखने को मिलेगी और रियर पोर्शन में आपको थोड़ा सा चिन देखने को मिलेगा जो कि आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास पे, आपको कितना मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, कैसी होगी क्वालिटी। तो यहां पे रियर में आपको वर्टिकल कैमरा मिलता है जहां पे आपको डुअल रियर कैमरा मिलेगा। प्राइमरी सेंसर दिया हुआ है 16 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है f2.0। यहां पे जो सेकेंडरी लेंस है वो है 8 मेगापिक्सल का जिसका भी अपर्चर है f2.0। तो कैमरा क्वालिटी यहां पे डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। इसके साथ आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, जहां पे आपको AI का सपोर्ट मिलेगा फ्रंट कैमरे में भी और रियर कैमरे में भी। तो आपको पोर्ट्रेट मोड वगैरह काफी अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे। बात करते हैं Lenovo Z5 के प्रोसेसर की। तो यहां पे आपको मिलता है Snapdragon 636 जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है और जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया गया है वो काबिले तारीफ है, जहां पे आपको मिलेगी 1.8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा आपको इस फोन में मिल जाती है 3300 mAh की बैटरी, USB टाइप सी, साथ में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन। जी हां, आपको फास्ट चार्जर भी मिलेगा जो कि है 15 वॉट का। इसके अलावा आपको ये फोन दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, एक है 6GB और 64GB और दूसरा है यहां पे 6GB 128GB। अब फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस की, आपको टोटल जो पैकेज मिलता है इसके लिए आपको क्या प्राइस देनी पड़ेगी। और इस फोन की स्टार्टिंग प्राइस है 1299 युआन, मतलब अगर आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में तो आपको देना पड़ेगा 13,700 रुपए के आसपास। तो प्राइस के हिसाब से फोन काफी अच्छा है और इस प्राइस में आपको मिलती है 6GB की रैम और 64GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज। तो ये स्मार्टफोन अगर हम बात करें इसी प्राइस पॉइंट पे इंडिया आता है तो काफी अच्छा स्मार्टफोन। अगर हम बात करें डिजाइन की, कैमरे की, क्योंकि यहाँ पे नोकिया X6 को किल करने वाला है, रेडमी नोट 5 प्रो को किल करने वाला है, एसुस जेनफोन मैक्स प्रो M1 को किल करने वाला है और भी यहाँ पे कुछ स्मार्टफोन्स आएंगे जो कि वीवो के हैं, ओप्पो के हैं, सभी स्मार्टफोन को किल कर देगा ये नया स्मार्टफोन Lenovo Z5, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी अच्छी डिजाइन मिलती है, काफी अच्छा कैमरा मिलता है, काफी अच्छा प्रोसेसर मिलता है और इसकी प्राइस भी काफी कम है। तो उम्मीद है कि आपको ये स्मार्टफोन इसी मंथ यानी जून के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर और जितनी जल्द से जल्द ये इंडिया आएगा सभी स्मार्टफोन की बैंड बजने वाली है। और आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, अगर आपको इसी प्राइस पॉइंट पे ये फोन मिलता है इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द, तो क्या अभी भी आप सोच रहे हैं नोकिया X6 या फिर रेडमी नोट 5 प्रो की तरफ जाने की, बताइएगा कमेंट्स में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए यार सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्विक अपडेट जल्द से जल्द मिल पाए। बस अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।